मणिपुर में पिछले कई दिनों से चल रही हिंसा कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच एक बार फिर मणिपुर में दिल दहला देने वाली घटना, दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद देश भर में हंगामा हो गया। इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा नहीं होना चाहिए था। महिलाओं का हमारे समाज में विशिष्ट स्थान है, वहाँ की सरकार को इसके खिलाफ कदम उठाना चाहिए। में अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई तो निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण, शर्मनाक और इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो उनको पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश को देखना चाहिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कि उनकी विधानसभा के सामने नग्न प्रदर्शन हो रहा है, और पहले अपने घर को संभालें, पहले अपने प्रदेश की चिंता करें। मणिपुर तो बहुत दूर है, घर जल रहा है, यहाँ लोग नग्न प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर के, और आज आपने उनको सबको अपराधी करार दिया। जो भी आपके खिलाफ बोलेगा वो अपराधी है। क्या छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र जिंदा नहीं है, यहाँ आपातकाल लग गया है, या आपातकाल लगाने की घोषणा करवा दीजिए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को, यहाँ के कांग्रेस के लोगों को, पहले अपने घर को देखें, यहाँ लोग जल रहे हैं।